हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020। बेसिकली ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे हैं, क्या इस रिपोर्ट के आउटकम्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या क्या सजेशंस इसमें आगे दिए हुए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। सो आई होप आप सब इसको एंड तक देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड लेक्चर। तो अब बात आती है साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस। बेसिकली ये जो ऑफिस है इसको अब की बार होस्ट किया है डिवेका सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज बेंगलुरु इंडिया ने। और ये वाला जो ऑफिस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये करता क्या है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में सोल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च वर्क को ये कैरी ऑन करता है। ठीक है, कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में आगे जो चेंजेस होंगे उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसके सॉल्यूशन बेसिकली प्रोवाइड करवाता है। उसकी रिसर्च होती है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। सिर्फ ये आउटकम्स ही नहीं देता कि अगले 30 सालों में इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ ये रिसर्च करके ये भी बताता है, ये तो रिसर्च हो गई कि भाई अगले 30 सालों में ये हो जाएगा या फिर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड इसका जो फैक्ट निकल करके आता है कि ये वाला जो फ्यूचर अर्थ ऑफिस है इसको जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 2015 में हुआ था। एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी रिसर्च नेटवर्क है ये। ठीक है, उसके अलावा जो ये डिवेका सेंटर है क्लाइमेट चेंज का, इसको एस्टेब्लिश किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जनवरी 2009 में। बेसिकली इसका गोल क्या है इस सेंटर का, कि ये जो जितना भी क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी है, जो क्लाइमेट के अंदर वेरिएशंस हो रहे हैं या फिर जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पे, तो बेसिकली उसका उसको जानना, उसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड करना और रिसर्च वर्क करना, ये इसका काम है। उसको एस्टेब्लिश किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS जनवरी 2009। उसके अलावा जो अब की बार का है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जिसका रिपोर्ट का नाम था द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020। ठीक है, बेसिकली जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जो एम यही था कि किसी भी तरीके से जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस किया जाए और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको सिर्फ 2 डिग्री तक रोका जाए बाय 2050। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली 5 ग्लोबल रिस्क निकल करके आए। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज का, दूसरा एक्सट्रीम वेदर का, तीसरा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, चौथा फूड क्राइसिस, पांचवा वाटर क्राइसिस। तो देखो बेसिकली ये 5 की फाइंडिंग्स तो हैं, ग्लोबल रिस्क तो हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड है। देखो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण ही क्या होगा, कभी वेदर एक्सट्रीम होता है, कभी वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड है। जब ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो क्या होता है, जो स्पीसीज होती है वो अडेप्ट होती नहीं एक्सट्रीम वेदर के, तो वो एक्सटेंट होना शुरू हो जाती है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो प्लांट्स भी अडेप्टेबल नहीं होते हैं एक्सट्रीम वेदर के, तो फूड क्राइसिस निकल करके आता है, और फूड क्राइसिस होता है तो वो कंपेंड होता है वाटर क्राइसिस से। ठीक है, तो ये जो 5 की फाइंडिंग्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाली जो स्लाइड है इंटर रिलेशन बताता है जितने भी ग्लोबल रिस्क है उसके बारे में। अभी वही मैंने आपको बताया, देखो जो एक्सट्रीम हीट वेव्स है जब वो बढ़ती हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जब एक्सट्रीम हीट वेव्स होंगी तो वो क्या करेंगी, रिलीज करेंगी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर्ड है, जिससे इकोसिस्टम इफेक्ट होगा और ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी, और उसी समय पर वाटर क्राइसिस और फूड स्कार्सिटी भी इंटेंसीफाई हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है, जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो कहीं ना कहीं उससे जो नेचुरल और जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसकी जो कैपेसिटी है क्लाइमेट एक्सट्रीम से लड़ने की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी फूड क्राइसिस के लिए वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा, जो अदर वेरियस फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल पॉपुलेशन, ये जो बढ़ रहा है इससे कहीं ना कहीं जो फूड का प्रोडक्शन है उस पर स्ट्रेन आने वाला है। तो यही आपस में इंटर रिलेशन है डिफरेंट ग्लोबल रिस्क का। उसके अलावा बात करते हैं अब हम ग्रीन हाउस एमिशन की। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की। ठीक है, तो अब देखो क्या है, आपको पता है बहुत सारे जो हैं कन्वेंशन हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, चाहे वो आपका मैड्रिड, अभी COP 25 की मीटिंग हुई थी आपका, उसमें मैड्रिड डिक्लेरेशन हुआ, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, बहुत सारे क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के डिक्लेरेशन हो चुके हैं। मोर देन 700 सिटीज, स्टेट्स, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स सारे आगे साइन करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर 2019 की बात की जाए तो कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 415 ppm
को क्रॉस कर चुका है, 415 पार्ट्स पर मिलियन को क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा 2014 से 2018 का जो 5 साल का पीरियड बनता है वो अब तक का सबसे गर्म वार्मेस्ट पीरियड रहा है 1880s से, जब से हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है तब से बात की जाए लैंड एज वेल एज ओशन दोनों के। उसके अलावा बात करते हैं डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। देखो जो ह्यूमन है उसने सिग्निफिकेंटली लगभग 75% जो हमारा प्लेनेट का लैंड एरिया है उसको छेड़छाड़ कर दिया, उसको ऑल्टर कर दिया है। हमारी 1/4 स्पीसीज चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो आज थ्रेटेंड है, ठीक है। इनफैक्ट 2018 में वर्ल्ड का लास्ट मेल नॉर्दर्न वाइट राइनो जो है उसकी केनिया के इनक्लोजर में उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था, उसकी डेथ हो गई है। ब्राजीलियन ब्लू पैरेट स्पिक्स मकाओ ये एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं वाइल्ड में से, ठीक है। तो इतना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और फ्यूचर ऑफ अर्थ की जो रिपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है एक रिवील करती है, आँख खोलने वाली चीज़ों को रिवील करती है। ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं आजकल, देखो वर्ल्ड की बात की जाए तो राइट विंग पॉपुलिज्म जो है वो बिल्कुल अपने चरम सीमा पे है। एक पॉलिटिक्स में एक ऐसी ब्रीड का जन्म हो गया है जो लोगों के मन में कहता है कि आप जो है नेशनलिस्ट फंडों पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है उसमें लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं दिलवाता है, इनइक्वालिटी को ग्रो करता है। वो कहता है कि आप अपने सिर्फ राष्ट्र हित पे ध्यान दो, चाहे वो आज की तारीख में हर कंट्री को देख लीजिए, वो कहते हैं कि आप नेशनलिज्म को फॉलो करिए, अपनी कंट्री को बचाइए, अपने बॉर्डर्स जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, इमिग्रेंट्स को आप रिजेक्ट करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है लोगों का ध्यान ही भटक गया एक तरीके से, और क्लाइमेट चेंज जैसी जो एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है उनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया है या फिर सर्च इंजन है या फिर ई कॉमर्स एल्गोरिथम्स है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को जागरूक करो, लेकिन कई बार क्या होता है वो कई बार जो है फेक न्यूज़ वाला जो चक्कर है वो लोगों को क्या नाम है उनके ऊपर जागरूक करने से आज की तारीख में रोक रखा है। लोग किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल जो मीडिया का जो एक यूज़ था उसके ऊपर जो ट्रस्ट हुआ करता था उसका कहीं ना कहीं इरोजन हो गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर सजेशन क्या दिए गए हैं। देखो सजेशन तो ये दिया गया है कि जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ उसको रिवर्स करो, ठीक है। इसके लिए कुछ नए तरीके सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में प्लेनेट पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके मुख्य कारण ह्यूमन है, तो जो ह्यूमन का सिस्टम है इसको ही टारगेट करना चाहिए। इसके अंदर जो सोसाइटियल प्रॉब्लम है सिस्टम से, जो पॉपुलिज्म है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है, या फिर जो भी हमारी प्रैक्टिसेज हैं या जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं चाहे वो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से या फूड प्रोडक्शन में, उनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट में बात आती है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन को उसको रोकना चाहिए। पहले ही तैयार रहना चाहिए कि क्या सर्टेन वो डेमोग्राफिक चेंजेज जो माइग्रेशन के कारण आ सकते हैं उनको कैसे रोका जाए, ठीक है। तो ये वाली कुछ सजेशंस थे जो इसके अंदर दिए गए और यही एक रिपोर्ट थी और फ्यूचर अर्थ को लेकर के द फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 को लेकर के रिपोर्ट थी। बहुत अच्छे इसके अंदर सजेशंस थे, इसके अंदर जो रिवील की गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। आपको कोई भी सजेशन से फीडबैक है डेफिनेटली आप हमारी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस यू।